हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। नमस्कार जोहार, आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री की जाने मानी हस्ती मंदाकिनी जी हैं और इनसे जानेंगे कि रांची आना इनका कैसे हुआ और क्या कुछ कहा। तो सबसे पहले आपका हमारे झारखंड में स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। रांची कैसा लगा पहले? बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैं रात में आई हूँ, ठीक से देखा नहीं है, तो कल दिन में देखेंगे। कल जो करने आई हैं जी, उसके बारे में थोड़ा सा जी, एक इनॉग्रेशन है एग्जीबिशन का, तो कल वहाँ जाएंगे। मैम अगर फिल्मी दुनिया की बात करें तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। किस तरह का? मैंने जो सबसे अच्छी मूवी आपकी जो रही जी, उसके बारे में थोड़ा। सबसे अच्छी मूवी तो सबसे ज़्यादा हिट जो हुई थी वो तो मेरी फर्स्ट मूवी थी। उसके बाद और भी बहुत सी मूवीज़ थी जो सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, और हर मूवी का एक अपना अलग रंग होता है, अपना एक अलग मज़ा होता है। मैंने तो हर मूवी में जितना भी काम किया, जिसके साथ भी काम किया, बहुत अच्छा लगा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सबके साथ। जब आपकी मूवी आती थी मैम, तो सबसे पहले मतलब लोगों में ये उत्सुकता रहती थी कि मैडम की जो आंखें हैं वो काफ़ी झील नुमा है, तो इसके बारे में ज़्यादा लोग जो दर्शक थे सबसे ज़्यादा आपकी आंखों को देखने जाते थे, इसके बारे में क्या कहना? मुझे ये बात नहीं मालूम थी, तो मुझे आपसे पता चला अभी, तो बहुत अच्छी बात है जब आपने बताया। अगर ऐसा है तो मैं पहले मूवी कर रही थी, अभी की अगर बात करें तो अभी कैसे चल रही है? अभी तो बहुत अच्छी हुई मूवीज, अभी तो OTT भी आ गया है और सबको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है काम करने का, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया है जो भी हुआ है। अब लास्ट में एक बार चलते चलते ये अभी जानना चाहेंगे कि साउथ की जो मूवी है वो हावी हो रही है बॉलीवुड पे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहले ऐसा था कि साउथ की जो हिट मूवीज़ होती थी उनको बॉलीवुड वाले रीमेक कर लिया करते थे, तो वो भी हिट हो जाती थी। तो अब उनको ऐसा लगा देख देख के सालों में कि हमारी ही मूवी को ये लोग रीमेक करके दिखा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम ही इसको अगर हिंदी में डब करके रिलीज़ कर दें तो हमारा काम भी लोग देख पाएंगे। तो बस इतना ही चेंज आया, पहले लोग बना लिया करते थे रीमेक, अभी वो अपने आप उसको हिंदी में डब करते हैं और रिलीज़ करते हैं, तो हम लोग जिनको हिंदी आती है हम लोग भी उन्हीं की मतलब मूवी देखते हैं। पहले हम लोग को समझ में नहीं आती थी लैंग्वेज, तो हम देख नहीं पाते थे, हम लोग वेट करते थे कोई इसका रीमेक बनाएगा तो देखेंगे, तो अब ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अभी भी फिल्मों से जुड़ी हुई है मैम जी? फिल्मों से अभी जुड़ी हुई हैं या जी? जी अभी वापस जुड़ी हुई हूँ। अभी अपकमिंग कोई मूवी? अभी मूवी की से बात चल रही है अभी तो ऐसे। अच्छा, अभी बताना तो मुश्किल होगा, बहुत अर्ली है ना। तो ये थी फिल्म अदाकारा मंदाकिनी जी, जो जाने माने अपने समय की थी और अभी फिर से दोबारा फिल्मों की ओर मुख कर रही हैं। तो हमारे साथ झारखंड के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद दर्शकों।